नमस्कार, ये एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूँ सिमरन कौर। बहराइच के नानपारा नगर में एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ये एक स्थानीय नागरिक अमरीश कुमार का है, निवासी जुबलीगंज। जब कोविड 19 टीकाकरण कराने के लिए सीएससी नानपारा पहुंचता है, तो उसे ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, जबकि उसी व्यक्ति के सामने स्वास्थ्य कर्मी अपने किसी खास को टीका लगा रहे होते हैं। वैक्सीनेशन कराने गए व्यक्ति द्वारा पूछने पर स्वास्थ्य कर्मी उसे बताते हैं कि हमारा स्टाफ है और आम नागरिकों के लिए इस समय वैक्सीनेशन का स्लॉट खत्म हो चुका है। विचारणी बात इसमें ये होगी कि केंद्र व केंद्र सरकार दहाड़े मार मार कर ये कह रही है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी टीकाकरण करवा लें, जिससे भविष्य में आने वाली तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आम जनमानस राहत की सांस ले सके। मैं अमरीश कुमार, जुबलीगंज, नानपाड़ा, बहराइच। मैंने वैक्सीन के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक किया था और जब मैं अस्पताल में वैक्सीन लगवाने गया तो उन्होंने हमको बताया कि जो है वैक्सीन खत्म हो गई, और मेरे वहाँ जाने के बाद उन्होंने दो आदमी को वैक्सीन और लगाई। इसके बारे में जब हमने उनसे कहा कि जब आप कह रहे हैं ख़त्म हो गई, मेरा अपॉइंटमेंट था, तो आपने वैक्सीन क्यों इनको क्यों लगाई, हमको क्यों नहीं लगाया, तो इन्होंने कहा ये सरकारी कर्मचारी है, स्टाफ के हैं, इसलिए इनको पहले लगेगी। कितने बजे आप गए थे? हम गए थे 1:15 बजे, 1 बजने में 15 मिनट बाकी था। आपको वैक्सीन लगाने के लिए क्या मना कर दिया गया? हाँ, उन्होंने कहा कल आइएगा, कल आइएगा। क्या वैक्सीन ख़त्म हो गई थी? नहीं, हमारे बात तो जब हमने कहा तो हमको नहीं लगाई गई, दो लोगों को उन्होंने लगाया, जिनका जो है बाद में उन्होंने नंबर चढ़ाया था, जिनका बाद में नंबर चढ़ाया उनको उनको वैक्सीन लगाई गई। वो आपको यूएफटी न्यूज 24 के लिए बहराइच से अनुज जायसवाल की रिपोर्ट।